आइए शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया और यूके, है ना। इंडिया और यूके आजकल आप देख रहे होंगे आप लोग ना कि न्यूज़ में बहुत छाया हुआ है ना, यूके जो है वो बहुत छाया हुआ है। तो हम लोग जब देखते हैं कि इंडिया और यूके में क्या रिलेशन है और कैसे कैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्या देखा जा सकता है ना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए एक चीज़ देखिए, ज़रा देखिए, ज़रा समझने का प्रयास कीजिए। ये समझिए कि जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे ये है आपका इंग्लैंड, है ना। जरा समझने का प्रयास कीजिए, ये है इंग्लैंड, ठीक है। चलिए और इंग्लैंड यहाँ पे आप समझो यहाँ पे कि ये है आपका स्कॉटलैंड, है ना। ये है आपका स्कॉटलैंड, ठीक है। स्कॉटलैंड का कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है, आपको पता होगा, एडिनबर्ग, है ना। एडिनबर्ग इसका कैपिटल है। इंग्लैंड का कैपिटल हर कोई जानता है, कैपिटल क्या है इसका? लंदन, है ना। इंग्लैंड का कैपिटल लंदन है, स्कॉटलैंड का कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग, ठीक है। देखिए मैंने मैप सही ढंग से नहीं बनाया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं बस इसे समझाने के पर्पज़ से बना रहा हूँ, किसी भी देश को डिसग्रेस करना मेरी इंटेंशन नहीं है ना। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। इंग्लैंड जो है वो मैंने बना दिया कि हाँ भाई इंग्लैंड ऐसा है, और इसमें मैंने कैपिटल दिखा दिया, कैपिटल क्या है? लंदन, ठीक है। चलिए स्कॉटलैंड जो है वो क्या है? वो भी एक टेरिटरी है, और उसका कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग, ठीक है। चलिए इंग्लैंड से आप देखिएगा ना कि सटे हुए ही यहाँ पे आपको नजर आएगा, यहाँ पे वेल्स, WALES, वेल्स, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है? इंग्लैंड है, इसका कैपिटल लंदन, स्कॉटलैंड है, इसका कैपिटल है एडिनबर्ग, ये है वेल्स, इंग्लैंड से टच कर रहा है टेरिटरी, है ना। चलिए और यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे है ना, ऐसे समझिए, ऐसे ऐसे ये है आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, है ना, NORTHERN, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। और नॉर्दर्न आयरलैंड से सटे हुए एक और टेरिटरी है, ठीक है, इसको हम लोग, इसका नाम है आप दीजिएगा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, REPUBLIC, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है। मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको धीरे से समय आ जाएगा। देखिए अगर हमें यूके के बारे में जानना है, यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानना है, तो उसकी ज्योग्राफी, उसकी इकोनॉमी, है ना, उसके पॉलिटिक्स सबको बढ़िया से समझेंगे, तब जाकर के हमें इंटरनेशनल रिलेशन एक अच्छे हाथ से समझ में आएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, है ना, कि यूनाइटेड किंगडम में नाम यूनाइटेड क्यों है, ये मैं बताऊंगा आपको, है ना। किन किन जगहों से किन किन टेरिटरी को मिल के बना है यूनाइटेड किंगडम, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे साथ चलिए, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, है ना। चलिए तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये इंग्लैंड है, इसे कैपिटल लंदन है, इसे सटे हुए है वेल्स, ठीक है, गौर कीजिएगा। ये है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड से टच कर रहा है, कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग, इसका स्कॉटलैंड का। नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये टेरिटरी आप देख रहे हो मार्क किया हुआ है, और ये है आपका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है डबलिन, ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी शहर भी है ना, इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए नॉर्दर्न आयरलैंड है, इसका कैपिटल क्या है? बेलफास्ट, है ना, तो बेलफास्ट इसका कैपिटल है, कहानी क्लियर। और वेल्स, वेल्स का ये मार्क कर दीजिए, इसका कैपिटल है आपका कार्डिफ, ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिए। इंग्लैंड का कैपिटल लंदन, वेल्स का कैपिटल कार्डिफ, स्कॉटलैंड का कैपिटल एडिनबर्ग, नॉर्दर्न आयरलैंड का कैपिटल बेलफास्ट, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कैपिटल डबलिन, क्लियर है, अच्छे से देख लीजिए इसको, ठीक है। इस मैप को हम लोग बार बार यूज करेंगे, है ना, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है। चलिए अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जरा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड है, इंग्लैंड और में आप वेल्स को जोड़ दीजिए, है ना, इंग्लैंड प्लस वेल्स, यानी ये पूरा टेरिटरी है ना, पूरा पूरा इंग्लैंड और प्लस वेल्स, ठीक है, क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटेन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ब्रिटेन, सुनने का प्रयास कीजिए। इंग्लैंड और वेल्स, ये पूरा इंग्लैंड और प्लस वेल्स को बोलते हैं हम लोग ब्रिटेन, ठीक है। चलिए अब गौर कीजिएगा, इंग्लैंड ले लेते हैं और वेल्स ले लेते हैं और प्लस स्कॉटलैंड ले लेते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये पूरा टेरिटरी है ना, यानी हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड प्लस वेल्स और प्लस स्कॉटलैंड, ठीक है,
क्लियर है? तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है? आपके दिमाग में अक्सर कंफ्यूजन होता है ना कि ब्रिटेन क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम क्या होता है, ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स को आज हम लोग खत्म कर देंगे, है ना? तो ब्रिटेन क्या है? इंग्लैंड प्लस वेल्स, ये इंग्लैंड और प्लस वेल्स को मिला के कहते हैं ब्रिटेन, ठीक है? इंग्लैंड प्लस वेल्स और प्लस स्कॉटलैंड, यानी पूरा जो बनाए हुए हैं हम, इसको मिला के कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। इंग्लैंड प्लस वेल्स और प्लस स्कॉटलैंड, है ना, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड और प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। गौर कीजिएगा, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम, नॉर्दर्न आयरलैंड का, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड का, है ना? इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, गौर कीजिएगा, मैंने लिखा है नॉर्दर्न आयरलैंड, है ना? एक दो तीन चार, एक दो तीन और ये चार, इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन चारों को मिला के बोलते हैं हम लोग यूनाइटेड किंगडम। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, है ना, कि किसको हम लोग बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में यूके, ठीक है? तो समझने का प्रयास कीजिए कि हाँ क्या है यूके, है ना, क्या है ग्रेट ब्रिटेन, क्या है ब्रिटेन, यहां कहानी क्लियर हो गया, ठीक है? अच्छे से हम इसको समझेंगे, है ना, क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा, इंग्लैंड और प्लस वेल्स ये दोनों मिला के कहते हैं ब्रिटेन, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड को मिला के बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड और प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन चारों को बोलते हैं हम लोग क्या, यूके, ठीक है? गौर कीजिएगा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहीं शामिल नहीं है, ना ब्रिटेन में है वो, ना ही वो ग्रेट ब्रिटेन में है और ना ही वो यूके में है, ये किसी में शामिल नहीं है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड किसी में शामिल नहीं है, ठीक है? गौर कीजिएगा, इसको क्यों बनाए हैं धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, पर इतना पहले समझने का प्रयास कीजिए कि हाँ क्या 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 है। सबका मैंने कैपिटल लिख दिया है और अभी आप, हम समझते हैं, आप लोग समझ चुके होंगे क्या है ब्रिटेन, क्या है ग्रेट ब्रिटेन और क्या है यूके, ठीक है? चलिए अब जरा गौर कीजिएगा, मुझे ये कहना है कि आपने समझ चुका है ब्रिटेन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है और यूके क्या है, ठीक है? चलिए अब जरा ये समझने का प्रयास कीजिए, इंग्लैंड है ना, ये इंग्लैंड है, ठीक है? इसमें क्या करते हैं ना, हम छोटे छोटे रीजन्स बनाते हैं ना, एक रीजन ये हुआ, एक रीजन ये हुआ, है ना, एक रीजन ये हुआ, एक रीजन ये हुआ, छोटे छोटे क्षेत्र बना रहे हैं हम लोग, छोटे छोटे क्षेत्र एरिया, है ना, एक ये हुआ, इस तरह से हम लोग ऐसे ऐसे क्षेत्र बना रहे हैं, ठीक है? इस तरह से हम बहुत सारा क्षेत्र बना रहे हैं, बहुत सारा क्षेत्र बना रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है? एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, क्लियर है? एक मिनट, मेरा फोन साइलेंट कर लूँ। चलिए, इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, मैंने पढ़ लिया। चलिए एक, है ना, एक रीजन ये हुआ, 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 इस तरह से इंग्लैंड में जितना एरिया है, जितना जमीन है, उन सब जमीन को हमने कई सारे रीजन्स में बांट दिया, है ना, एक रीजन, ठीक है? ये जितने रीजन्स में हमने बांटा है ना, इस रीजन्स को बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसी, क्या बोलते हैं इसको, कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है? यानी ये एक कंस्टिट्यूएंसी हुआ, फोर्थ नंबर, ये वन नंबर भी कंस्टिट्यूएंसी हुआ, टू नंबर भी कंस्टिट्यूएंसी हुआ, तीन नंबर भी कंस्टिट्यूएंसी हुआ, फाइव नंबर भी कंस्टिट्यूएंसी हुआ, इस तरह से ये पूरे पूरे क्या है, कंस्टिट्यूएंसी है, जरा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? इस तरह से स्कॉटलैंड में भी कंस्टिट्यूएंसी होगा, है ना, यहाँ पे एक कंस्टिट्यूएंसी है, मतलब एक एरिया है, यहाँ पे भी एक कंस्टिट्यूएंसी होगा, है ना, यहाँ पे भी एक कंस्टिट्यूएंसी होगा, यहाँ पे भी एक कंस्टिट्यूएंसी होगा, है ना, ये सब भी कंस्टिट्यूएंसी होगा, है ना, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब कंस्टिट्यूएंसी हैं, यहाँ पे भी कंस्टिट्यूएंसी होगा, यहाँ पे भी कंस्टिट्यूएंसी होगा, है ना, यहाँ पे भी कंस्टिट्यूएंसी होगा, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसी, मतलब हम देख रहे हैं कि किसी भी टेरिटरी के एरिया को कई भाग में बांट देने से जो भाग बनते हैं, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, इस तरह से, उस सब भाग को बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसी। इंग्लैंड में भी बहुत सारा कंस्टिट्यूएंसी है, नॉर्दर्न आयरलैंड में बहुत सारा कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझेंगे हम लोग आज, ठीक है? चलिए अब क्या होता है ना कि यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है, तो हम किसी एक कंस्टिट्यूएंसी को उठा लेते हैं, है ना, कंस्टिट्यूएंसी बहुत सारा इंग्लैंड में भी है, स्कॉटलैंड में भी है, नॉर्दर्न आयरलैंड में भी है। सबसे ज्यादा अगर हम देखिए, हम अपने डिस्कशन को लिमिटेड रखेंगे इंग्लैंड में, वेल्स में, स्कॉटलैंड में और नॉर्दर्न आयरलैंड में, बस इसी चारों में, इसकी बात नहीं करेंगे, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग को समझना है यूनाइटेड किंगडम के बारे में, है ना, हमारा टॉपिक क्या है, इंडिया यूके, तो यूके के बारे में समझना है हम लोग, यूके किससे मिलकर बना हुआ है, इंग्लैंड से, वेल्स से, स्कॉटलैंड से और नॉर्दर्न आयरलैंड से, इन्हीं चारों से मिलकर बना है यूके। तो हम अपने डिस्कशंस को लिमिटेड रखेंगे इसी टॉपिक तक, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो
तो मैंने कहा कि इंग्लैंड में बहुत सारे रीजन्स को बांट दीजिए आप, जितनी जमीन है उसको बांट दीजिए आप, उन रीजन्स को कहेंगे कंस्टिट्यूएंसी। उसे स्कॉटलैंड में बहुत सारा कंस्टिट्यूएंसी होगा, नॉर्दर्न आयरलैंड में भी बहुत सारा कंस्टिट्यूएंसी होगा, ठीक है। चलिए अब इस कंस्टिट्यूएंसी का हम लोग किसी एक कंस्टिट्यूएंसी को उठा लीजिए, तो मान लिया कि मैंने ये एक नंबर वाला कंस्टिट्यूएंसी उठा लिया, क्लियर। चलिए एक नंबर कंस्टिट्यूएंसी मैंने उठा लिया, ठीक। तो इस कंस्टिट्यूएंसी में क्या होगा कि बहुत सारे पार्टीज होंगे, है ना। जैसे मान लो कि यूके में कौन कौन से पार्टीज हैं फेमस, देखिए यूके में दो पार्टीज बहुत फेमस हैं, है ना, जिसका नाम हम बार बार यूज करेंगे, लेबर पार्टी, है ना, और दूसरा है आपका कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव TIBE, है ना, समझिएगा TIBE, है ना, कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, CONSERVATIVE, कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, और लेबर पार्टी, ठीक है। तो यूके में दो पार्टी बहुत फेमस है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, तो इसी का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या हुआ होगा कि इस कंस्टिट्यूएंसी में, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से भी कोई ना कोई आदमी खड़ा हुआ होगा, ठीक है, तो मान लो उसका नाम है ए, ठीक है। लेबर पार्टी की तरफ से भी कोई खड़ा हुआ होगा तो बी, उस तरह से और पार्टी से भी खड़े हुए होंगे तो सी डी, इस तरह से, ठीक है। गौर कीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा है कि यूके में दो ही पार्टी है, नहीं, यूके जो है ना वो टू पार्टी सिस्टम नहीं है, ठीक है, टू पार्टी सिस्टम नहीं है, यूके क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी यूके में पॉलिटिकल पार्टी दो से ज्यादा है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, यूके में मल्टी पार्टी सिस्टम है, दो से अधिक पार्टी है वहां पे, ठीक है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं अपने बातों को समझाने के लिए ताकि आसानी से हो, आप समझिए कि सिर्फ दो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी एक्चुअली में यूके में है, लेबर पार्टी भी एक्चुअली में यूके में है, ठीक है। तो मैं इसी दोनों पार्टी को यूज कर रहा हूं समझाने के लिए आपको। तो हुआ क्या होगा कि इंग्लैंड के इस कंस्टिट्यूएंसी में, यानी कंस्टिट्यूएंसी नंबर वन में, बहुत सारा पार्टी लोग यहां पे आया होगा और सब अपना अपना कैंडिडेट को खड़ा किया होगा। तो कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से यहां पे खड़ी हुई लिज ट्रस, समझिएगा, यहां पे लिज ट्रस, ये किसकी पार्टी है तरफ से है, कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से, जरा समझिएगा, कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से कौन खड़ी हुई है, लिज ट्रस, ठीक है। और कि जब किसकी बात कर रहे हैं, कंस्टिट्यूएंसी नंबर वन की, ठीक है, लिज ट्रस खड़ी हुई है, ठीक। उसी तरह से लेबर पार्टी की तरफ से कोई खड़ा हुआ होगा, मान लो कोई खड़ा हुआ होगा, नाम ले लो रोनित, है ना, रोनित कोई खड़ा हुआ होगा लेबर पार्टी की तरफ से, है ना, मैं बस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, रोनित प्योरली काल्पनिक नाम है ना, लिज ट्रस एक्चुअल नाम है, तो लिज ट्रस खड़ी हुई कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से, ठीक है, रोनित खड़ा हुआ। उसी तरह से मान लो कि राहुल खड़ा हुआ होगा, है ना, उस तरह से इशिका खड़ी हुई होंगी, है ना, इशिका ये भी कोई पार्टी से खड़े हुए होंगे, है ना, ये भी कोई पार्टी से खड़ी हुई होंगी, है ना, इन चारों में लिज ट्रस जो है ना वो जीत गई, ठीक है। गौर कीजिएगा, ये सारा का सारा घटना कहाँ हो रहा है, कंस्टिट्यूएंसी नंबर वन में, तो लिज ट्रस जीत गई, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा वोट इन्हीं को मिला, जितने वोटर्स लोग आए होंगे इस कंस्टिट्यूएंसी में वोट दिए होंगे, तो वोट दिए सबसे ज्यादा वोट किसको मिला, लिज ट्रस को, तो लिज ट्रस जीत गई। जब जीत गई तो ये क्या बन जाएंगी, इस कंस्टिट्यूएंसी से एक एमपी जाएगा, क्या जाएगा, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो लिज ट्रस ना कहलाएंगे कि इस कंस्टिट्यूएंसी से, कंस्टिट्यूएंसी नंबर वन से जीत गई, और क्या बन गई, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूं समझाने के लिए, थोड़ा सा जरा समझिएगा। तो लिज ट्रस यहां से क्या हो गई, जीत गई, यानी अब लिज ट्रस जो है जब जीत गई ना, जब विन हो गई ना, तो क्या बन जाएगी, एमपी, ठीक है, जरा गौर कीजिएगा, ये जीत गई, क्या बन जाएगी, एमपी। तो जो घटना यहां वन हुआ है, कंस्टिट्यूएंसी नंबर वन में हुआ है, वही घटना फिर कंस्टिट्यूएंसी नंबर टू में भी होगा, यहां भी कंजर्वेटिव पार्टी से, लेबर पार्टी से और पार्टी से लोग आएंगे, अपने अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, लोग वोट करेंगे, जो जीतेगा वो एमपी बनेगा और वो जाएगा, कहां बैठेगा ये, तो समझिएगा जरा सा, यूके में दो हाउस है, कैसे भारत में दो हाउस है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से यूके में दो हाउस है, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स, एक हाउस का क्या नाम है, हाउस ऑफ कॉमन्स, COMMONS, हाउस ऑफ कॉमन्स, और दूसरे का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड, है ना, ये लॉर्ड्स कहिए, तो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, है ना, ये दोनों हाउस है। देखिएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स की बात कर रहे हैं हम, है ना, ये हाउस ऑफ कॉमन्स, इसके बारे में बात कर रहे हैं, कैसे इंडिया में लोकसभा है, है ना, लोकसभा के जो लोग होते हैं वो कहां से चुनकर आते हैं, तो पब्लिक डायरेक्टली चुनती है उनको, लोकसभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मेंबर बैठे हुए हैं,
है ना, आपको पता है ना कि इंडिया में दो हाउस है ना, इसको बोलते हैं हम लोग लोकसभा, और क्या बोलते हैं दूसरा को, बोलते हैं हम लोग राज्यसभा, ठीक है। इसको हम लोग राज्यसभा का एक और नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, है ना, ठीक है। चलिए तो हम बात कर रहे हैं एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा में जितने भी लोग बैठते हैं वो क्या कहलाते हैं, एमपी। उसे से राज्यसभा में लोग बैठते हैं क्या कहलाएंगे, एमपी, ठीक है। तो मैं यहां बात कर रहा हूँ लोकसभा का। तो लोकसभा में जितने भी लोग रहे होंगे वहां भी ऐसा ही रहा होगा, इंडिया के सारे रीजन्स को कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया गया होगा इसी तरह से, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई ना कोई जीतेगा एमपी। कैसे यहाँ जीतेंगे, लिस्ट ट्रस्ट वैसे ही, और वो एमपी जाके कहाँ बैठेंगे, लोकसभा में। तो इसी तरह से सेम हाउस ऑफ कॉमन्स भी है लोकसभा की तरह, और राज्यसभा की तरह क्या है यहाँ पे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, समझिएगा थोड़ा। तो लिज ट्रस्ट जो है ना, लिज ट्रस्ट जो है वो यहां से जीती और हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या हो गई, बैठ गई, क्लियर है। चलिए यानी यहां पे क्या बैठ गई। चलिए अब इंग्लैंड में कितने हैं कंस्टिट्यूएंसी, तो 1 2 3 4 इस तरह से टोटल मिलाकर के 533 कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। इंग्लैंड के पूरे रीजन को अगर हम कंस्टिट्यूएंसी में बांट दें तो पूरा मिलाकर के 533 ठो कंस्टिट्यूएंसी है, 533, यानी ये पूरे 533 रीजन में बांटा हुआ है इंग्लैंड। तो कॉमन सेंस है हर रीजन एक एमपी दिया होगा, है ना। तो उस तरह से इंग्लैंड जो है वो पूरा मिलाकर के हाउस ऑफ कॉमन्स में कितना भेजेगा, गौर कीजिएगा, इंग्लैंड कितना भेजेगा इसमें, इंग्लैंड जो है वो 533 एमपी भेजेगा, है ना। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड के पास टोटल रीजन जो है वो 533 एरिया में बांटा हुआ है, पूरे जमीन को, पूरे एरिया को 533 कंस्टिट्यूएंसी में बांटा हुआ है। हर कंस्टिट्यूएंसी से एक एमपी जीतेगा और वो एमपी कहाँ जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स से बैठेगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे भारत में पूरे रीजन को बांट दिया था कंस्टिट्यूएंसी में, और वहां से हर कंस्टिट्यूएंसी से लोग जीतते हैं और एमपी बनते हैं, कहाँ आते हैं, लोकसभा में, ठीक है। तो बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए इसको, क्लियर है। चलिए उसी तरह से वेल्स में टोटल मिलाकर के 40 कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है, यानी वेल्स के पूरे जमीन को, पूरे रीजन को अगर बांटे हम कंस्टिट्यूएंसी में तो पूरा मिला के 40 कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है। यानी वेल्स भी 40 ठो एमपी कहाँ भेजेगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में, यानी यहाँ लिख दीजिए कि वेल्स कितना भेजेगा आपका, 40 ठो आपका एमपी भेजेगा, 440 लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए क्लियर है। स्कॉटलैंड जो है ना ये 59 भेजता है, ठीक है, और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ना वो 18 भेजता है, जरा समझिएगा। यानी स्कॉटलैंड में जितने जमीन है उसको कंस्टिट्यूएंसी में बांट दिए हम, ठीक है, तो टोटल मिला के 59 कंस्टिट्यूएंसी है। हर कंस्टिट्यूएंसी से एक एमपी जीतेगा और कहाँ जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठेगा। यानी स्कॉटलैंड जो है अपने जगह से, अपने टेरिटरी से पूरा मिला करके 59 एमपी भेजेगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड कितना भेजेगा, ये 59 एमपी भेजेगा, ठीक है। और नॉर्दर्न आयरलैंड टोटल कितना कंस्टिट्यूएंसी है, 18, तो कितना कंस्टिट्यूएंसी है, इन 18 एमपी भेजेगा कौन, नॉर्दर्न आयरलैंड, जरा समझने का प्रयास कीजिए। चलिए इन सबको जोड़िएगा आप ना, 533 प्लस 40 प्लस 59 प्लस 18, तो ये आ जाएगा आपका 650, 650, 650 एमपी, ठीक है। यानी हमने क्या सीखा कि पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम, क्यों, क्योंकि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, इसी को ना मिला के बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। यानी हमने ये सीखा कि इंग्लैंड भेज रहा है 533 एमपी, वेल्स भेज रहा है 40 एमपी, स्कॉटलैंड भेज रहा है 59 एमपी और नॉर्दर्न आयरलैंड भेज रहा है 18 एमपी, ठीक है। सबसे ज्यादा एमपी कौन भेज रहा है, 533 एमपी कौन, इंग्लैंड। तो समझिएगा यूके जो है उसमें दो हाउस है, कैसे भारत में दो हाउस है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से यूके में दो हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, है ना। चूंकि दो हाउस है इसलिए हम कहेंगे कि यूके जो है वो क्या है, ये बाई कैमरल है ना, बाई कैमरल पार्लियामेंट, है ना, जो वहां का पार्लियामेंट है वो दो हाउस में बटा हुआ है, दो हाउस में मिला के बनता है। कैसे भारत में भी बाई कैमरल है, भारत भी बाई कैमरल पार्लियामेंट को होल्ड किए हुए है, उसे इंडिया भी क्या है, बाई कैमरल, बाई कैमरल मतलब क्या है, नाम से क्लियर है, बाई मतलब दो, है ना, दो हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हम बात करें हाउस ऑफ कॉमन्स का, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में इंग्लैंड के भी लोग जा रहे हैं एमपी बन के जाकर बैठ रहे हैं, वेल्स के भी लोग एमपी बन के जाकर बैठ रहे हैं, स्कॉटलैंड के भी लोग जाके एमपी बन के बैठ रहे हैं, और नॉर्दर्न आयरलैंड के भी लोग जाके एमपी जाकर बैठ रहे हैं, ठीक है। लेकिन समझिएगा सबसे ज्यादा हाउस ऑफ कॉमन्स में एमपी कौन बैठा रहा है, इंग्लैंड, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड टेरिटरी वाइज बड़ा है, वेल्स से भी बड़ा है, स्कॉटलैंड से भी बड़ा है और नॉर्दर्न आयरलैंड से भी बड़ा है। इंग्लैंड जो है वो टेरिटरी वाइज बड़ा है, ड्राइंग से भी मैं
दिखाई रहा हूं आपको, तो इंग्लैंड सबसे ज्यादा एमपी भेज रहा है हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है। देखिए ये आपने समझ लिया ना, तो आपने समझ लिया अच्छा वहां का पॉलिटिकल सेटअप क्या है ना, क्योंकि हमारा डिस्कशन जो है ना वो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो आप समझिएगा कि कौन ज्यादा एमपी भेज रहा है। तो इंग्लैंड बहुत ज्यादा एमपी भेज रहा है हाउस ऑफ कॉमन्स में, यूके में, ठीक है। मैं समझता हूं यहां तक कहानी क्लियर है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रब करता हूं। तो चलिए तो अब आप लोगों ने ये समझ लिया कि अच्छा ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है ना, ये समझ लिया आपने। और ये भी समझ लिया कि अच्छा यूके का जो दो हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसमें कौन से जगह से कितने एमपी जा रहे हैं, यह आपने समझ लिया। और आपने अभी तक हम लोग क्या पढ़ा कि अच्छा टोटल मिला करके 650 यानी 650 इतना कंस्टिट्यूएंसी है, किसमें, किसकी बात कर रहे हैं हम, यूके में, है ना। यूके जो कि बना हुआ है इंग्लैंड से, वेल्स से, स्कॉटलैंड से और नॉर्दर्न आयरलैंड से, ठीक है, 650 कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है। चलिए जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तो इंग्लैंड में यहाँ पे एक कंस्टिट्यूएंसी है ना, यहाँ पे इस रीजन को मैं शेयर कर देता हूँ, आपको नजर आएगा यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसी है, उसका नाम है, ठीक है, नॉरफॉल्क, है ना, नॉरफॉल्क साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट कह दीजिए, साउथ वेस्ट नॉरफॉल्क, ठीक है। चलिए तो साउथ वेस्ट नॉरफॉल्क कंस्टिट्यूएंसी जो है इसी कंस्टिट्यूएंसी से लिज ट्रस जीती हैं, ठीक है, गौर कीजिएगा। इस कंस्टिट्यूएंसी में से ही कॉमन से कंस्टिट्यूएंसी में कंजर्वेटिव पार्टी भी अपना मेंबर भेजा होगा और उसको लोग वोट दिए होंगे, लेबर पार्टी भी मेंबर भेजा होगा और लोग वोट दिए होंगे, इस तरह से बहुत सारे पार्टी अपने मेंबर भेजा होगा, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से कौन खड़ी थी, लिज ट्रस, और लिज ट्रस ही जीत गई और वो क्या बन गई, एमपी, और ये एमपी बन गई तो कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी और बैठेंगी हाउस ऑफ कॉमन्स में, जरा समझिएगा, है ना, अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है चलिए अब गौर कीजिएगा, यहां पे ये हो गया, अब यहां पे इसके थोड़ा सा और ऊपर जाइए, है ना, साउथ वेस्ट नॉर्थ ऊपर जाइए, तो यहां पे एक रीजन है रिचमोंड, क्या नाम है, रिचमोंड, इस कंस्टिट्यूएंसी का नाम क्या है, रिचमोंड कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है, रिचमोंड कंस्टिट्यूएंसी, यहीं से कौन जीते हैं, यहीं से एमपी बने हैं कौन, यहां से भी एमपी बने हैं ऋषि सोनक, है ना, ऋषि सोनक, SAUNAK, ऋषि सोनक यहां से बनेगा, समझिएगा। रिचमोंड कंस्टिट्यूएंसी एक जगह है यहां पे, मैंने बताया ना आपको इंग्लैंड में बहुत सारा रीजन रहा होगा, हर रीजन को क्या नाम दिया गया, एक कंस्टिट्यूएंसी, पूरे इंग्लैंड के रीजन को बांट दिया गया है कई सारे कंस्टिट्यूएंसी में, पूरा मिलाकर इंग्लैंड में 533 कंस्टिट्यूएंसी है, एक कंस्टिट्यूएंसी का नाम क्या हो गया, साउथ वेस्ट नॉरफॉल्क, है ना, रिचमोंड कंस्टिट्यूएंसी हो गया, रिचमोंड कंस्टिट्यूएंसी से कौन जीत के आए हैं, ऋषि सोनक, ठीक है, और लिज ट्रस कहां से जीत के आए हैं, साउथ वेस्ट नॉरफॉल्क कंस्टिट्यूएंसी से, क्लियर है। चलिए ऋषि सोनक भी जो है ना वो भी कंजर्वेटिव पार्टी के ही हैं, जरा समझिएगा, ये भी किसके हैं, ये भी कंजर्वेटिव पार्टी के ही हैं, ठीक है, लिज ट्रस भी कंजर्वेटिव पार्टी के हैं और ऋषि सोनक भी जो है वो कहां के हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। तो रिचमोंड कंस्टिट्यूएंसी में भी क्या रहा होगा, यहां पे सही रहा होगा, कंजर्वेटिव पार्टी भी अपना मेंबर भेजा होगा, लेबर पार्टी भी अपना मेंबर भेजा होगा, कंजर्वेटिव पार्टी किसको भेजा, वो भेजा ऋषि सोनक को, उनको लोग वोट दिए, है ना, और इस तरह से वो ही जीत गया और जीत के क्या बन गए, वो एमपी बन गए, तो ऋषि सोनक भी एमपी बन गए ना। तो अभी तक हमने देखा कि हाउस ऑफ कॉमन्स में ऋषि सोनक भी जाएंगे और लिज ट्रस भी जाएंगे, ठीक है। देखिए यही सब हमारे कहानी का ना प्रोटागोनिस्ट है, मेन पात्र यही बनेंगे, ऋषि सोनक, लिज ट्रस, ठीक है। इसीलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ना कि दोनों कहाँ से जीत के आते हैं, क्या जगह है, कि कौन सा नाम है कंस्टिट्यूएंसी का, जरा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि इंग्लैंड में साउथ वेस्ट नॉरफॉल्क नाम की कंस्टिट्यूएंसी से लिज ट्रस जीत के आती हैं, एक तरह का ये रूरल कंस्टिट्यूएंसी है ना, गाँव का एरिया है ये, रूरल कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है। और रिचमोंड कंस्टिट्यूएंसी से कौन जीत के आते हैं, ऋषि सोनक, ठीक है। ऋषि सोनक जो है ना वो इंडियन ओरिजिन के हैं, है ना, नाम से क्लियर हो ही रहा होगा आप लोग को कि हाँ इंडियन ओरिजिन के हैं,
ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि 1960s में, गौर कीजिएगा हम बात कर रहे हैं ऋषि सौनक के बारे में, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए कि 1960s के दौर में ना इनके जो पेरेंट्स थे, ठीक है, वो क्या हुए हैं कि ईस्ट अफ्रीका से, ठीक है, वो यूके चले गए, ठीक है, और उन्हीं के ये संतान हैं ऋषि सौनक, ठीक है, उन्हीं के वंशज में से उनके पुत्र के पुत्र इस तरह से वो पोते हैं, और ये समझने का प्रयास कीजिए ऋषि सौनक जो हैं वो क्या हैं, उन्हीं के वो ग्रैंडसन हैं। तो खैर ये उनका हम देखें कि फैमिली ट्री क्या है ऋषि सौनक का, क्लियर है। चलिए ऋषि सौनक के बारे में और समझिएगा, ऋषि सौनक जो है ना उनकी शादी हुई है, ठीक है, इनकी वाइफ का नाम है अक्षता, अक्षता मूर्ति, ठीक है, आपको लगा कह रहे अक्षता मूर्ति कुछ नाम जाना पहचाना लग रहा है, हाँ अक्षता मूर्ति पता है किनकी बेटी हैं, ये हैं जिन्हें मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, नारायण मूर्ति जी का, है ना, नारायण मूर्ति, है ना। देखिए नाम का स्पेलिंग जो है वेरी कर सकता है अलग अलग मीडिया आउटलेट में, चीज़ों में बदल रहा है, लेकिन नारायण मूर्ति जो हैं वही नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, है ना, इनकी कहानी आप जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बहुत ही मोटिवेशनल है, ठीक है, कौन किसी तरह के कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहते हैं और बहुत सिंपल जिंदगी जीते हैं वो। खैर इनके बारे में बताना लगा रात हो जाएगा, मैंने इनके बारे में बहुत पढ़ा है, खैर मैं इन्हें बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। तो नारायण मूर्ति जी की बेटी हैं अक्षता मूर्ति, ठीक है, अक्षता मूर्ति जो हैं वो वाइफ हैं किनकी, ऋषि की, ऋषि सौनक की, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ ही रहा होगा कि अक्षता मूर्ति जो है ना चूँकि नारायण मूर्ति की बेटी हैं, ठीक है, तो खुद भी बहुत ही रिच होंगी, वेल्दी फैमिली से बिलोंग कर रही हैं। तो ऋषि सौनक पे ना, ऋषि सौनक के बारे में कहा जाता है कि उनको इतना, उनके पास इतनी संपत्ति है, ठीक है, इतनी संपत्ति है कि यूके के जो क्राउन है, जो हर मेजेस्टी हैं, ठीक है, तो उनकी डेथ हो गया एलिजाबेथ, उनके पास जितनी संपत्ति है ना उनसे भी ज़्यादा संपत्ति इनके पास है ऋषि सौनक के पास, ठीक है, जरा समझिएगा इसको कि अक्षता मूर्ति से संपत्ति इनको आया है, मिला है, तो बहुत सारी संपत्ति है, क्योंकि आपको बात पता ही होगा नारायण मूर्ति जो है वो खुद ही बिलियनेयर हैं, है ना, इन्फोसिस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया में नामी कंपनी है। तो ऋषि सौनक का हमने समझ लिया कि अच्छा उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनका क्या है, उनके कनेक्शंस, है ना। चलिए एक बात और, ऋषि सौनक को अगर देखा जाए तो 222वें, है ना, 222वें नंबर पे आते हैं वो, WELTHIEST, वेल्दीस्ट पीपल पे ऑफ यूके। अगर यूनाइटेड किंगडम का बात करें हम लोग, तो यूनाइटेड किंगडम में बहुत जनसंख्या होगा, उस जनसंख्या में सबसे अमीर लोगों की गिनती की जाए तो उस अमीर लोगों की गिनती में 222वें नंबर पे सबसे अमीर इंसान कौन है, ऋषि सौनक, ठीक है। और ऋषि सौनक जो है वो MP भी हैं, ठीक है, MP भी हैं ऑफ यूके, है ना, देख ही रहे हैं आप कहाँ से जीत के आए हैं, रिचमोंड कॉन्स्टिट्यूएंसी से, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो, कंजर्वेटिव पार्टी से, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि ऋषि सौनक जो है ना कोई ऐसे कोई आम इंसान नहीं है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, है ना, हिंदी में बोलते हैं ना तूती बोलता है, तो इनका इस टाइप का है थोड़ा सा ये है। चलिए तो ऋषि सौनक जो है वो MP ऑफ UK, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, और हमने देखा कि इंग्लैंड में बहुत ही रईस इंसान है, बहुत फैमिली रईस हैं, और इनकी शादी किससे हुई है, अक्षता मूर्ति से, जो खुद इंडिया में नारायण मूर्ति की बेटी हैं, और वो नारायण मूर्ति जो है खुद बिलियनेयर हैं, ठीक है, तो इस तरह संपत्ति उनको बहुत मिली है, ठीक है, बहुत अमीर है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। और ये इंडियन ओरिजिन के हैं, ये हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। चलिए ऋषि सौनक के बारे में एक चीज बताना हमको और जरूरी होगा, बहुत जरूरी, ठीक है, ये चांसलर हैं, ये चांसलर ऑफ एक्सचेकर हैं। आप बोलिएगा सर ये क्या होता है, है ना, जरा समझिएगा, अगर यूके में जाइए ना तो यूके में सबसे टॉप पे कौन है, PM, है ना, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट का, अब हम राजा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना, जो राजा होंगे क्वीन होंगे उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट टॉप पे कौन है, प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे में कौन है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, है ना। चलिए तो ये फर्स्ट पोजिशन पर हो गए, सेकेंड पोजिशन पर हो गए, और थर्ड में बात करें तो थर्ड में आते हैं यही चांसलर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, है ना, जो हम लिखे हैं अभी, ठीक है, ये थर्ड है, समझ सकते हैं आप ना कितना इन्फ्लुएंशियल पोस्ट है ये, है ना, बहुत टॉप रैंकिंग का पोजीशन है, टॉप नॉच पोजीशन पे ये रहते हैं, चांसलर ऑफ एक्सचेकर बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन है, तो उस पोजीशन पे ऋषि सौनक ने काम कर चुके हैं वो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी वो हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है, समझिएगा जरा सा। तो ऋषि सौनक जो है वो चांसलर ऑफ एक्सचेकर हैं, वो चांसलर ऑफ एक्सचेकर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद थर्ड पोजीशन पे चांसलर ऑफ एक्सचेकर होते हैं, ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन है यूके के गवर्नमेंट में। तो सोच लीजिए कितने इन्फ्लुएंशियल होंगे, है ना, वेल फाइनेंशियल इनके पास बहुत सारा पैसा भी है, यानी इनके पास क्या है, फाइनेंशियल मसल है ना,
ठीक है, वो देख रहे हैं 222 में सबसे अमीर हैं। इंग्लैंड में अमीर तो हैं ही, भारत से भी देखा जाए तो भारत में भी नरेंद्र मोदी से संपर्क है इनका, है ना। इनके ये क्या हो गया, इनकी बेटी से शादी किए हुए हैं तो यहाँ से भी इनको पावर ट्रांसफर हो रहा है ना, तो फाइनेंशियल मसल के पास बहुत है। प्लस खुद का देखा जाए तो खुद उन्होंने क्या कहते हैं वो MP बने हुए हैं UK के, तो होंगे ही इन्फ्लुएंसियल। तो ऋषि सोनक के बारे में हम सब कुछ समझ लिए। ये समझिएगा, ऋषि सोनक हों या लिज ट्रस हों, दोनों के दोनों कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। जब दोनों के दोनों कंजर्वेटिव पार्टी से हैं तो दोनों की देखिए विचारधारा दोनों की सेम ही होगी ना, क्यों, क्योंकि दोनों का पार्टी तो सेम ही है, आइडियोलॉजी तो सेम ही है, ठीक है। तो जरा समझिएगा, तो ऐसा नहीं है कि लिज ट्रस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट ऋषि रहेंगे। हाँ, कुन कुन चीज़ों पर दोनों में सिमिलैरिटीज भी रहेंगी, कुन कुन चीज़ों में बहुत डिफरेंस भी रहेंगे, लेकिन एक चीज़ों पर, एक टॉपिक पर दोनों के दोनों थाट सेम हैं, ठीक है। और वो क्या है, वो है आपका इमिग्रेशन पॉलिसी, इमिग्रेशन पॉलिसी, ठीक है। इमिग्रेशन पॉलिसी पर लेकर के जो सोच लिज ट्रस की है वही सोच ऋषि ऋषि की है, ठीक है। बहुत लोग ये समझ नहीं रहे होंगे क्या होता है इमिग्रेशन, तो मैं समझा दूं जरा। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, जैसे हम बोलते हैं इमिग्रेशन, है ना, और एक टर्म है एमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ठीक है, जरा समझिएगा इसको। जैसे मान लो ना कि यहाँ है इंडिया, है ना, हमारा प्यारा भारत, हमारा सबसे प्यारा भारत, ठीक है, और यहाँ पे है एक देश UK, ठीक है। चलिए जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि इंडिया के एक आदमी है, उसका नाम मान लो कि राहुल है, क्या नाम है उसका, राहुल, है ना। राहुल जो है वो इंडिया से कहाँ चला गया, UK में, इंडिया से माइग्रेट करके कहाँ चला गया, UK में, ठीक है। गौर कीजिए, यहाँ से चला गया ना, ठीक है, तो राहुल को बोलेंगे ना, राहुल से यहाँ से चला गया है ना, तो राहुल को बोलेंगे कि राहुल जो है वो इंडिया के लिए क्या हुआ, यहाँ से गया है ना, जहाँ से जाएगा वहाँ के लिए हो जाएगा वो